नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। पंजाब के अमृतसर में डेंगू फैलने की वजह से विधायक अमरपाल सिंह बोनी ने फॉगिंग मशीन खरीदी और बाजारों में फॉगिंग करवाई। पंजाब के अमृतसर में सैकड़ों बच्चे डेंगू का शिकार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपनी कुंभकर्णी निद्रा में सो रही है। तो वहीं हलका अजनाला के पूर्व विधायक अमरपाल सिंह बोनी अपने परिवार को डेंगू से बचाने के लिए मच्छर को रोकने के लिए मशीन खरीद कर ले आए हैं, साथ ही बाजारों में जाकर गलियों में फॉगिंग भी करवाई। इस मौके पर बोनी अजनाला ने कहा कि डेंगू का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि अजनाला के सैकड़ों लोगों के साथ बच्चे डेंगू बुखार से पीड़ित हैं और प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद में सो रही है, जिसको देखते उन्होंने फॉगिंग मशीन खरीद ली है, जिससे वो पूरे अजनाला में फॉगिंग कर लोगों को डेंगू से मुक्ति दिलाएंगे। अपने परिवार वालों, डॉक्टर रतन सिंह अजनाला सबका एम पी, समुचा परिवार, समुचे साढ़े साथियों वालों, जोड़ा अजनाले कस्बे च अजनाले हल्के डेंगू का कहर लोगों के खौफ बनया पिया आ, तो मैं शर्म आँदी है प्रशासन वालों कि ना दवाई ना मशीन ना सब कागजा खरीदी जाते हैं। ਆਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਲੱਗਣ, 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣ, 20 ਦਿਨ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ। ਵਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। पंजाब के अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व को 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस संबंधी 13 से 15 अक्टूबर तक के लिए किए जाने वाले अलग अलग समारोह की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। इसी के तहत शिरोमणि कमेटी के मुख्य सचिव डॉक्टर रूप सिंह के नेतृत्व में शिरोमणि कमेटी के अधिकारियों की तरफ से हरि मंदिर साहिब के चौक चौराहे सभी दुकानदारों, रेडियो और रिक्शा वालों सहित अलग अलग काम करने वाले लोगों को मिठाइयों के डिब्बे बांटकर समागम के लिए आमंत्रित किया गया। सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी का पावन प्रकाश गुरपुरब सचखंड श्री हरिमंदर साहब च समूह सिख संगतां दे सहयोग नाल श्री अमृतसर साहब विखे 15 अक्टूबर नूं मनाया जा रहा। 13, 14, 15 अक्टूबर नूं विशेष समागम होने हैं। पावन प्रकाश गुरपुरब की खुशी च असीं पिछले कुछ सालों तो अमृतसर निवासियों नूं गुरु रामदास के दर वल्लों मठियाई वंड के कार्ड सद्दा दे के खुशी सांझी करते हैं। इस बार भी असी गुरु रामदास पातशाह ने जिहड़े अमृतसर दे विच किरती वसाए सी। वहीं अमृतसर में ही खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के अमृतसर में सुरक्षा बलों ने आतंकी को धर दबोचा। बता दें कि बीजेपी की बुजुर्ग नेता और पंजाब की पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांता चावला खालिस्तान जिंदाबाद का लक्ष्य रख रही हैं। तो वहीं तरन तारण के गांव चहल साहिब में पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान आतंकवादियों सहित हथियारों को भी जब्त किया गया है। तभी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकवादियों ने खुलासा किया कि उनकी साजिश में बीजेपी की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मीकांता चावला भी शामिल हैं। जब इस मामले में लक्ष्मीकांता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पिछले 3 दशकों से मेरे साथ हैं और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखियो, मेरे जानकारी में कोई नया थ्रेट नहीं है। सिक्योरिटी कोई आई से तो मेरे पास है नहीं है। पिछले 3 दशकों से मैं सुरक्षा के घेरे के बीच हूँ। मुझे सीधा थ्रेट कभी नहीं आता। जो चर्चा इधर उधर हो रही है, मेरा ख्याल है वो किसी तरह की अफवाह है। फिर भी अगर कोई सही जानकारी लेनी है तो फिर पुलिस कमिश्नर अमृतसर या DGP सिक्योरिटी या DGP पंजाब, ये आपको दे सकते हैं। मुझे सीधे तौर पर ना कोई थ्रेट आया है, कभी आता भी नहीं है, और ना ही मेरी कोई सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। वहीं अमृतसर में पूर्व विधायक अमरपाल सिंह बोनी अवैध खनन का जायजा लेने पहुंचे। पंजाब के अमृतसर में अवैध माइनिंग का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। तो पूर्व विधायक अमरपाल सिंह बोनी ने मीडिया को साथ लेकर माइनिंग क्षेत्रों का दौरा किया। इस मौके पर विधायक अमरपाल सिंह बोनी ने कहा कि मौजूदा सरकार के कुछ विधायक माइनिंग विभाग मंत्री रेत की नाजायज माइनिंग कर रहे हैं, जो कि गैरकानूनी है।
इस मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि जिस जगह पर अलॉटमेंट हुई है उस जगह पर तो माइनिंग होनी चाहिए, लेकिन जिस जगह पर अलॉटमेंट नहीं हुई है उस जगह पर सरकार के विधायक और मंत्री अपने गुंडागर्दी के बल पर माइनिंग करवा रहे हैं। जब पूर्व विधायक दौरा पूरा करके वापस आ रहे थे तभी ग्रामीणों पर और विधायक का गाड़ियों पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। माइनिंग के बाद गुंडा बैठे ही गए, ठेकेदार गुंडी विच सरपंच गुंडी रहे हुए ते शायद तुहानू कह सकते हैं सरकारां दी शह आ, सरकारां दी शह ते सब कुछ हुंदा। साडे जनाला तहसील च तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गंद पै चुका, जो भी अंसर आ जो भी अफसर आ उन्होंने जो एम एल ए साहब नू कहना उन्हें ही उहदी ही गल करनी आ। गल हुण इहो होई वी असीं टोया विखा के साहब नू ते तां चढ़े आ तो उन्हें साडे मगर हथियार चलाने शुरू कर दिते, साडे सीधे ही डेरे तक पहुँच गए ने, इट्टे रोड़े मारे ने, कुरबाना मारियां, मेरी पत्नी कश्मीर कौर नू मार के कुरबान लहू कढ के चले गए। वजह की रही है? वजह यह भी इन्हें टोया क्यों विखाया, साडा इन्हें ये जरूरत किता भी कौन ही मंत्री साहब इन्हें क्यों विखाया। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह अमृतसर में होली हार्ट स्कूल पहुंचे जहां पर उन्होंने बच्चों को क्रिकेट के गुण सिखाए। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह होली हार्ट स्कूल पहुंचे जहां पर उन्होंने बच्चों को क्रिकेट के गुण सिखाए। इस मौके पर युवराज सिंह ने बच्चों को क्रिकेट के लिए प्रोत्साहित किया, साथ ही उन्होंने कहा कि खेलना जरूरी है लेकिन उससे पहले पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। पढ़ोगे तो खेलोगे और आगे बढ़ोगे, लेकिन इसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अमृतसर का मुंडा पंजाब चो निकले ते लंबी क्रिकेट खेले फॉर इंडिया। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।